हेलो, मेरा नाम नितिन लाठे है और मैंने लास्ट मंथ एक 5 दिन का ओजस का कैंप अटेंड किया था. तो मुझको कोई आई हैड नो प्रॉब्लम एट ऑल, नो बीपी, नो शुगर, जस्ट यू नो जस्ट टू अवॉइड दीज डिजीजेज एंड जस्ट टू बी मोर फिट आई वेंट टू अटेंड द कैंप. तो सारा स्केड्यूल मैं पूरा ईमानदारी से फॉलो करा था. पता नहीं, आई कुड नॉट नोटिस एनी चेंज इनिशियली, बट आया हूँ तो सारा फॉलो कर रहा हूँ. सो सारे पार्टिसिपेंट में एक पेशेंट थे जो ब्रेन ट्यूमर का उनका ऑपरेशन हुआ था और व्हीलचेयर पे थे और उनकी लड़की उनको हमेशा असिस्ट करती थी. सो ऊपर चाहे एक्यूपंक्चर का क्लास हो रहा हो, चाहे योगा का क्लास हो रहा हो, उनको वो हेल्प करती थी, वो खुद उनके लिए एक्सरसाइज करती थी. तो मुझको ये लगा कि ये 5वें दिन में तो उनका क्या होने वाला है, कि वो कैसे आई है. तो 5वें दिन जब सेशन चल रहा था तो एक वॉलंटियर भागते हुए आए और उन्होंने बताया कि देखिए आपको मैजिक दिखाते हैं. उन्होंने पॉइंट आउट किया वो पेशेंट की तरफ जो व्हील चेयर पर खड़े थे, एकदम लास्ट में वो बैठे थे सेशन सुनने के लिए, और अचानक से उनको सब ऑडियंस उनको देखने लगी और फिर वो धीरे से खड़े हो गए. एंड शी वॉज सो हैप्पी एंड लुकिंग सो एनर्जेटिक. और उन्होंने वो 4-5 मिनट के लिए जो बोला कि मैं एनर्जी फील कर रही हूँ और मैं खड़े हो पा रही हूँ और बिना व्हील चेयर के मैं खड़े होकर बात कर रही हूँ. सो मुझको पक्का ये कि नहीं, अगर मैं फॉलो कर रही हूँ तो मैं चलना भी लगूंगी और मैं अच्छी हो जाऊँगी ऐसे. तो वो सीन मुझको एकदम इम्पैक्टफुल लगा. मुझको तो एकदम मुन्ना भाई MBBS की याद आई कि देखो पापा ये रहा मैजिक. तो ये 5 दिन में इतना सारा मैजिक हो सकता है. तो ये मतलब दिस इज द आई वॉन्ट टू गिव मैसेज टू द यंगस्टर्स एंड द फिट पीपल. Why should we wait for some incident or some episode to happen with us and then push us for some program like this? Instead, pehle aap jaake, pehle conscious hoke ye sara program kar sakte ho. Aur camp ke liye mera to anubhav bahut behtar raha ki life mein ek baar to ye camp attend karna hi chahiye. Aisa kehte hain na ki kuch bhi ichha adhuri rahe to janam se is tarah aana rehta hai. Ye kaam aisa hai ki life mein ek baar to karna chahiye. So at least once in lifetime you should attend this Ojas ka the 5 days camp.